गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल ईशा मेहरा दिस साइड। आज मैं आपके लिए ऐसी आसान सी मॉर्निंग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस लेकर आई हूँ जिनको आपको नॉर्मल वर्कआउट से पहले भी ज़रूर फॉलो करना चाहिए, और अगर उठने के बाद आप बहुत ज़्यादा लेजी फील करते हैं, आपकी बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी फील ही नहीं होती है, पूरा दिन थके रहते हैं, तो डेफिनेटली आज की मेरी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, आपको पूरे दिन के लिए चार्ज करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए, और आपकी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स हो गए ना उनको बहुत अच्छे से ये निकालेगी, तो ओवरऑल आपकी पूरी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। तो चलिए बिना किसी देरी के ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो नंबर वन पर आएगा, सबसे पहले हम करेंगे नेक का वार्म अप। तो नेक को आपने क्या करना है, साइड टू साइड, ठीक है, इस तरीके से टर्न करना है, पूरा स्ट्रेच करना है। इससे अगर आपके सर्वाइकल है तो वो भी खत्म हो जाएगा, और वैसे भी नेक से सबसे पहले हमें वार्म अप करना स्टार्ट करना चाहिए ताकि जो भी हम स्ट्रेचिंग करेंगे या वर्कआउट करेंगे तो आपके नेक में कोई भी इंजरी ना हो, ठीक है। डाउन करेंगे, पहले अपने फिंगर्स को यहाँ से होल्ड करिए, देन बैक प्रेस करिए, इस तरीके से पूरा स्ट्रेच करिए। अदर हैंड पर शोल्डर क्लॉकवाइज, करेंगे साइड बेंड। इससे क्या होगा, ये आपके साइड फैट को भी रिड्यूस करेगा, तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अपने वन हैंड को आप यहाँ पे मैट पे प्लेस करें, देन अदर हैंड से अपने आपको जितना हो सकता है मैक्सिमम उतना स्ट्रेच करना है। पोजीशन आपने 10 सेकंड के लिए होल्ड करनी है। देन बैक अगेन अदर साइड। आप रिलैक्स हो जाइए। नेक्स्ट स्ट्रेचिंग के लिए आपको अपने हैंड्स को इस तरीके से रखते हुए वन लेग को अपने मैट से डाउन रखना है, अपने नी को अपने टो तक बिल्कुल मैट से टच करके रखना है, अदर लेग को आपको बिल्कुल आगे लेके जाते हुए दोनों हैंड को मैट पे रखते हुए अपनी जो हेड है उसको नी से टच करने का ट्राई करना है। 10 सेकेंड्स होल्ड करिए। अब रिलैक्स हो जाइए। अदर लेग पे सेम हम स्ट्रेच करेंगे। रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। अब बारी आती है नेक्स्ट स्ट्रेचिंग की, जिसके लिए आपको अपने हैंड को मैट पे प्लेस कर लेना है। इस तरीके से आपको अपने पंजों पर आ जाना है, अपनी बॉडी को ऊपर लिफ्ट करके रखना है, देन उसके बाद अपने वन नी को अंदर की तरफ बेंड करते हुए, देन बैक, देन अदर साइड को बेंड करते हुए, देन बैक। ऐसा कम से कम आप 20 बार करिए। रिलैक्स हो जाइए। नेक्स्ट स्ट्रेचिंग के लिए आपको अपने हैंड को मैट पे प्लेस करना है। इस
तरीके से, अपने आप को अंदर बेंड करते हुए, देन बैक। जब अंदर जाएंगे तो ब्रीथ इन, अपसाइड जाएंगे तो ब्रीथ आउट। आपको इस तरीके से पोजीशन में आ जाना है, ऐसे आपने अपने पैरों पर बैठते हुए, देन इस तरीके से पोजीशन होल्ड करनी है। यह आपकी स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है आपके इनर थाइस के लिए, आपके हिप के लिए, और साथ में अगर आप इस पोजीशन को 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करते हैं तो इससे आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाती है या आपके इनडाइजेशन को बिल्कुल ठीक कर देती है। अपने हैंड से इस तरीके से एल्बो से अपनी जो लेग्स हैं उनको पूरा स्ट्रेच आउट करिए। हल्की सी मुस्कुराहट हर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में अपने फेस पर बना के रखा करिए, इससे आपके फेस पे बहुत अच्छा ग्लो आता है। अब रिलैक्स हो जाइए। आपने कम से कम इस स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को कम से कम 10 टाइम रिपीट करना है और 10 सेकंड्स के लिए होल्ड जरूर करना है। नेक्स्ट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के लिए आपको क्या करना है, ताड़ासन करना है। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है अगर आपकी हाइट ग्रो नहीं कर रही है या आप अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल स्ट्रेट करना चाहते हैं, बैक को आप स्ट्रेंथन देना चाहते हैं, तो ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया एक्सरसाइज है। तो इसके लिए आप बिल्कुल इस तरीके से स्ट्रेट खड़े हो जाइए, अपनी बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखिए और धीरे से अपने हैंड्स को ऐसे ऊपर ले जाते हुए लॉक करिए, देन अपनी बॉडी को पूरा ऊपर स्ट्रेच करते हुए अपने पंजों पर आकर कम से कम 10 से 20 सेकंड्स के लिए होल्ड करें और इस प्रोसेस को कम से कम 10 से 20 बार रिपीट करें। नेक्स्ट स्ट्रेचिंग के लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से लेग्स को थोड़ा सा वाइड कर लेना है, देन अपने हैंड से आपको प्रॉपर डाउन जाना है, इस तरीके से मैट को टच करना है, पूरा अपना बैक स्ट्रेच करना है, राइट। आपके नीज बेंड नहीं होंगे इसमें, 1 2 3 ऐसे कम से कम आपको 20 टाइम्स करना है, देन नॉर्मल हो जाना है, देन अगेन इसको कम से कम 3 टाइम्स रिपीट करना है। हमें क्या करना है, अपने टोज टच करना है 1 by 1 इस तरीके से लेग को वाइड करते हुए, 1 2। तो यहां पर आपकी सारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, तो प्लीज मेक श्योर इनको फॉलो करें अगर आप बहुत ज्यादा लेजी हैं या आपका बिल्कुल भी वर्कआउट करने का मन नहीं करता, तो एटलीस्ट अगर आप ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस भी करेंगे तो आपके ब्लड क्लॉट्स नहीं बनेंगे। बहुत लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा जिनकी एज ज्यादा हो जाती है कि उनकी क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है लेग्स में, है ना, खून के थट्टे जमने लगते हैं, क्योंकि जब आप अपनी बॉडी से मूवमेंट लेना बंद कर देते हैं, बिल्कुल उसको रोटेट करना बंद कर देते हैं, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, ठीक है, वहाँ आपका खून गाढ़ा होने लगता है, उसकी गांठें बनने लग जाती हैं, और जो आपकी एज बढ़ने के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा नसों में सूजन की और दर्द की तकलीफ होने लग जाती है। तो मेक श्योर यार, प्लीज़ अपना ख्याल रखें, डेली वर्कआउट करें, स्ट्रेचिंग करें और हमेशा खुश रहें। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन लगा होगा, तो बेहतरीन से वीडियो के लिए लाइक तो बनता है, ढेर सारा लाइक करो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो, मेरा अकाउंट है @ishramehra।
चैनल को सब्सक्राइब करना और टर्न टर्न घंटी आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।